अस्सलाम वालेकुम पाक्यूलर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में और हरमैन में मन मुकादिब हूँ मैं आपसे। सो यूज़र रिव्यू की सीरीज़ में इस वक्त टोयोटा सर्फ एक और गाड़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये बेसिकली टोयोटा फोर रनर फोर्थ जनरेशन है, 2003 मॉडल है और पाकिस्तान के अंदर ये टोयोटा हाइलक्स सर्फ के नाम से जानी जाती है। अब फाइव इसकी जो है वेरियंट्स आते हैं। मेरा जो पर्टिकुलर मॉडल है वो 3.4 लीटर 5 VZFE इंजन है। दो ऑप्शंस इसमें ट्रांसमिशन के आते थे, एक 5 स्पीड एक 4 स्पीड, ये 5 स्पीड वाली है। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। इस पर्टिकुलर 3.4 लीटर को लेने का मकसद ये था कि जो V8 इसके अंदर जो आता है 4.7 लीटर, वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रेयर है, वो बाहर भी बहुत ज़्यादा रेयर है। अच्छा, 4 लीटर V6 सेम इंजन जो बिलोंग करता है टोयोटा टैकोमा में, FJ क्रूज़र में और प्राडो में, मैंने इसको कंसिडर बाइंग इसलिए नहीं किया क्योंकि 2.7 लीटर जो है वो बिल्कुल अंडर पावर था, डीजल मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में पसंद नहीं है और 4000cc जो है ना वो ओवर पावर है, ओवर पावर एज सच के इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, फ्यूल एवरेज भी एक इशू बन जाता। 3.4 जो है ना इसके हिसाब से इंजन टू वेट रेशो के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये गाड़ी इस वक्त मुझे 7.6 किलोमीटर पर लीटर दे रही है विद अ हैवी फुट। वैसे अगर मैं इसको मतलब नॉर्मली बंदा चलाता है तो ये 9.8-9 ऐसा दे देती है और अगर लॉन्ग पे हम चाहें तो 11 दे देती है। इसका जो प्राइस ब्रैकेट फॉल आउट करता है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 60 लैक्स टू 95 तक अबव भी चले जाता है डिपेंडिंग ऑन द कार कंडीशन। मैंने जो ये पर्टिकुलर मॉडल परचेज किया था वो 85 प्लस में किया था। इसके प्रीवियस ओनर ने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वेल कैप्ड रखा हुआ था। जब मैंने ये परचेज़ की थी उस वक्त ये 38,000 चली थी, अभी ये 43,000 पर आ चुकी है। इसके अंदर मैंने WL क्रॉस के आफ्टर मार्केट रिम्स ऐड किए, बोटो एक्स टेरेन के इसके अंदर टायर्स ऐड किए जो कि 17 इंच हैं और ये जो टायर्स हैं वो ऑल टेरेन हैं, ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने सिर्फ जो है लॉन्ग ट्रैवल के लिए रखा हुआ है, लॉन्ग ट्रैवल के अंदर तो इसकी जो हैंडलिंग और रोड ग्रिप है ना ये बहुत ज़्यादा मुझे ज़बरदस्त लगी। हाई स्पीड्स में भी इसको टेस्ट आउट किया है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर, उसको मैंने मैनूवरिंग की है, मेरी कार इस तरह से परफॉर्म कर रही है कि मैं बेफिक्र होकर इसको चला सकता हूँ इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, तो मुझे ये पता होगा कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँगा। तो जब भी मैं इस कार को ड्राइव करता हूँ ना तो मुझे एक हैप्पियर फीलिंग आती है। जैसे ये इसका सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि स्टॉक सस्पेंशन है कार का, पर ये इतना सॉफ्ट है कि ये जब भी कोई भी पडल आता है, कुछ भी आता है, पॉट होल आता है तो उसमें ये धुड़ुम धुड़ुम जैसे दूसरी गाड़ियाँ करती ना वो नहीं करती, ये बिल्कुल झूले खाती हुई चली जाती है जैसे आप किसी जर्मन कार में। इसका जो भी इंटीरियर है ना वो सॉफ्ट टच लेदर है, प्लास्टिक ही नहीं है। सीट्स है ना वो बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लेदर सीट्स हैं और फोर वे एडजस्टेबल हैं और जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर लंबर सपोर्ट भी मौजूद है और पीछे वाली सीट्स रिक्लाइनेबल हैं। मैं जो है ना 6 फीट टॉल हूँ और इस वक्त आप हेडरूम देख रहे हैं तो अभी भी अच्छा खासा वो स्पेस है। लेग रूम की अगर बात की जाए तो आगे का तो वैसे ही होता है, पीछे जो लेग स्पेस है वो बहुत अच्छा है। 5 पीपल जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स होके कंफर्टेबल और इजीली इसमें आराम से सुकून से बैठ जाते हैं। इसके अंदर सेंटर आर्मरेस्ट भी है जिसमें कप होल्डर्स भी मौजूद हैं। इसका फ्रंट ग्लव बॉक्स है, इसमें भी एक अच्छा स्पेस है। इसके अलावा इसका ये एक्स्ट्रा जो है ये ट्रे जो है ये आप ओपन कर सकते हैं, ये ग्रिपी है, इस पर आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो केबिन इंसुलेशन और केबिन नॉइज़ है वो बिल्कुल ही मिनिमल है और आप जो है ना बाहर के वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं, एक साइलेंट एक पीसफुल एक एटमॉस्फेयर एक पीसफुल एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर हम एसी की बात करें तो इसके अंदर सिंगल जोन एसी है, डिजिटल डिस्प्ले और मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ। इसमें फ्रंट पे 4 वेंट्स हैं, पीछे वालों के लिए 2 वेंट्स हैं, मतलब 5 बंदे इसके अंदर लग्जरी फीलिंग के साथ सुकून से एक प्रॉपर एनवायरनमेंट के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, व्हीकल सेफ्टी फीचर्स के अंदर इसके अंदर एयरबैग्स आ गए, इसके अंदर ABS ब्रेकिंग आ गई, इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और इसके अलावा तमाम बेसिक सेफ्टी फीचर्स जो एक कार में होने चाहिए वो सब में। सो इसमें सवाल आता है कि मिसिंग क्या फील करें, तो मैं मिसिंग इसमें कूल बॉक्स फील कर रहा था पर मैं इतना फील नहीं कर रहा था। थैंक यू पार्क व्हील्स फॉर द ऑटो स्टोर। तो मैंने उधर से सर्च करा तो मुझे 12 वोल्ट का इसका आफ्टर मार्केट कूल बॉक्स मिल गया, तो मैंने ऑर्डर कर दिया। इंशाल्लाह एक अपने टाइम ड्यूरेशन के बाद वो आ जाएगा तो हम इसमें वो लगा देंगे। की इशूज़ की तरफ अगर आया जाए तो इसके अंदर अभी तक मैंने ऑयल चेंज के अलावा और कुछ भी नहीं करा क्योंकि कोई इशू आया ही नहीं और अल्लाह ना करे कभी आए, क्योंकि मेरा इरादा यही है कि उसको हमेशा के लिए रखना है।
रिलायबल एसयूवी है और टोयोटा का नाम ही काफ़ी है। अच्छा, अगर ऑयल चेंज की बात की जाए तो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो यही है कि 5000 किलोमीटर्स पर चेंज कर देनी चाहिए। पर मेरी एक आदत है, चाहे कोई भी कार हो, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, मैं इसको 2500 पे हमेशा अपनी कोई भी कार हो उसका ऑयल चेंज करा देता हूँ रेगुलर मेंटेनेंस के साथ। उसकी हर चीज़, एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इसके अलावा पेट्रोल फिल्टर, अगर पेट्रोल फिल्टर नहीं तो उसके अंदर अगर फ्रंट में अगर छोटा फ्यूल वो होता है क्लीनर, वो भी चेंज कर देता हूँ। उसके साथ मैं इसमें इसके कार्बोरेटर क्लीनर भी ऐड करता हूँ, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर भी ऐड करता हूँ, ताकि मेरी कार एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे हमेशा रहे और हमेशा, और जिसको मैं कभी सेल आउट कर भी देता हूँ तो वो भी मैं इससे सेटिस्फाइड रहे और इसकी मैं सारी हिस्ट्री भी अपने पास सेव रखता हूँ। अच्छा, अगर इसके स्पेयर पार्ट्स की तरफ जाया जाए तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसकी वही बात आ जाती है कि टोयोटा तो हर चीज़ मिल जाती है। मतलब मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ तो मैं हैदराबाद से हूँ, अपने शहर की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कभी कोई पार्ट का कभी इशू आया तो नहीं, अगर कभी आ भी जाएगा तो मुझे पता है कि वो पिंडी में मुझे हर पार्ट मिल जाना है इसका। तो पार्ट्स भी इसके ज़्यादा कोई खास एक्सपेंसिव नहीं है। एक बड़ी एसयूवी के हिसाब से हम अगर इसको कंपेयर करें तो न्यूअर मॉडल्स के हिसाब से बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, पर इसके कोई इतने कोई खास एक्सपेंसिव नहीं है। और इंशाल्लाह अल्लाह करे इसको नज़र ना लगे और ये चलती रहे, तो मैं इसको जो है, मेरा तो यही प्लान है कि इसको कभी भी सेल आउट नहीं करना। मैंने जब से ये लिए ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरी एक आदत है स्टेटस लगाने की, तो मैं डेली अपने स्टेटस पोस्ट करता हूँ ताकि मैं लोगों से कनेक्टेड रहूँ। तो जब से मैंने इसका स्टेटस लगाया है, मुझे रोज़ आना फ़ोन, सेल कर दो, मुझे सेल कर दो। मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे इसके लिए इतनी कॉल्स आएंगी, तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि अभी मैंने सेल करने का डिसीजन भी नहीं लिया और मुझे इतने बायर्स मिल रहे हैं। तो जब मैं सेल करने निकलूँगा और मैं पार्क व्हील्स की सर्विसेज यूज़ करूँगा तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन जनरल इसकी रीसेल अच्छी है, टोयोटा की गाड़ी है, टोयोटा की गाड़ी की रीसेल वैसी अच्छी होती है। दूसरी बात ये है कि एक अच्छी प्राइस वही देकर जाएगा जो इस गाड़ी को समझता है, क्योंकि सर्फ लवर्स सर्फ के अलावा कोई और गाड़ी यूज़ ही नहीं करते। सो इन दी एंड, अगर आप लोग कंसिडर कर रहे हैं सर्फ परचेज़ करना, तो मैं उन्हें ये टिप देना चाहूँगा कि गाड़ी की जो ओवरऑल इंस्पेक्शन है वो पार्क व्हील सर्विसेज यूज़ करें, और इसके अलावा जो मेन चीज़ जो उन्हें कंसिडर करनी है वो ये करनी है कि गाड़ी का इंजन, गाड़ी का सस्पेंशन, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी मॉडिफिकेशंस ना हो, वो टोटली स्टॉक हो, क्योंकि गाड़ी का जो एक फील है वो स्टॉक गाड़ी से ही आता है, और अगर हम इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो बंदे के हिसाब से तो हो जाती हैं, पर वो कंपनी स्पेक्स से हट जाती है। गाड़ी का इंटीरियर जितना अच्छा होगा उतनी हैप्पी ड्राइव होगी, उतना अच्छा फील आएगा, उतना ही आप प्लेजरेबल ड्राइव कर सकेंगे। सो पार्क व्हीलर्स, अगर आप लोग सिंध में कहीं से भी हैं और आप अपनी गाड़ी पूरे पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल आउट करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।